और अब खबरें विस्तार से। श्री गंगानगर के अनुपगढ़ के पतरोड़ा गांव से आज एक नया इतिहास लिखा गया। यहां पर खंडग्रास सूर्य ग्रहण कंकणाकृति आकार में देखा गया। मिथुन राशि के आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में इस ग्रहण के कारण देश में संक्रमण रोग बढ़ने के योग बताए गए हैं। वहीं आज सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अनुपगढ़ तहसील के पतरोड़ा गाँव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक ओर कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, वहीं दूसरी ओर लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने में भी नहीं चूक रहे थे। लोग सुबह से ही यहां पर अपने परिवार सहित पहुंचने शुरू हो गए। इस मौके पर स्थानीय विधायक शिमला बावरी ने लोगों को ग्रहण को देखने के लिए अपनी ओर से निःशुल्क चश्मा का वितरण किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस अद्भुत ग्रहण को देखने के लिए पतरोड़ा की धरती पर दिल्ली सहित कई जगहों के यहाँ पर साइंटिस्ट भी पहुंचे थे, जिन्होंने अपना सेटअप बॉक्स लगाकर सूर्य ग्रहण की आकृति को अलग अलग रूप में कैद किया। वहीं 11:50 पर चंद्रमा ने सूर्य को अपने आगोश में लिया और धरताल पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, तथा उसी समय सूरज के नजदीक एक तारा दिखने पर लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। इस दृश्य को लोगों ने अपने मोबाइल व कैमरों में कैद किया। इस मौके पर रायसिंह नगर के विधायक बलबीर लूथरा भी मौके पर मौजूद रहे, वहीं पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी रही। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली जो हमारी जो टीम है विज्ञान प्रसार नई दिल्ली से राजस्थान से, यह जो पतरोड़ा के लिए हमें चिन्हित किया गया है, यहाँ से जो होने वाले सूर्य ग्रहण का हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ये जो आज का जो दिन है बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 21 जून के दिन दो भौगोलिक परिघटनाएँ घटित होने वाली है। पहली परिघटना जो बहुत बड़ी परिघटना है वो है एनुलर सोलर इक्लिप्स। वैसे सूर्य ग्रहण एक्चुअल में चार प्रकार के होते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स होता है, और एक होता है पार्शल सोलर इक्लिप्स होता है। जो ये जो सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स है। इस सूर्य ग्रहण की खासियत यह है कि ये सूर्य ग्रहण हमें एक, जब पूरा ग्रहण हो जाएगा तो उस दौरान हमें एक रिंग के समान, एक वले के रूप में नज़र आएगा। और जैसे ही एक्चुअल में क्या होता है कि इससे कई जुड़ी हुई प्राचीन जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई आती है कि भैया हम लोग मानते हैं जैसे कि इस दौरान क्या होता है कि गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए हार्मफुल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक तरह का अंधविश्वास है। जैसे ही इसमें कोई, कुछ लोग कहते हैं राहु खा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर आ जाती है और इस कारण अपन को सूर्य का सरफेस पूरा दिखाई नहीं देता है। और ये इस घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और इस दौरान हमारी टीम का जो आज का जो मुख्य ऑब्जर्वेशन रहेगा, इस टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान हमारी टीम यहाँ जो इस सोलर इक्लिप्स के दौरान होने वाले परिवर्तन में रेडिएशन किस प्रकार ड्रॉप्स होगा, इसका जो टेम्परेचर किस प्रकार डाउन होगा, सारी इसकी जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, इन सब का ऑब्जर्वेशन करेगी और टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। अभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आने जाने से ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये राजस्थान में 25 वर्ष बाद दिखाई दे रहा है। अब पथमोड़ा से हमें 99% सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जिसमें हम लोग सूर्य के रेडिएशन और इसके टेम्परेचर के बारे में यहाँ से अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी अध्ययन करेंगे कि इस सूर्य ग्रहण के साथ साथ पशु पक्षियों पर उनके व्यवहारगत परिवर्तन क्या आ रहे हैं उसका, और पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे उसका भी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। सर, बेसिकली हर जगह नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ गांवों में ही इसकी लाइन पड़ रही है। तो घरसाना अनूपगढ़ के बीच में जो पटरोड़ा पड़ता है वहां पे हमारी टीम आई हुई है, क्योंकि यहां पे 99% सूर्य ढकाई में आ जाएगा। 11:50 पे आप देखेंगे तो एक वलयाकार सूर्य दिखेगा आपको, यानी कुंडलाकार, कुंडल के जैसा, जो चूड़ी आप कोई पहनता है वैसा आपको दिख जाएगा। और इसके बाद ये धीरे धीरे सूरज वापस बढ़ना शुरू होगा और करीब 1:37 के बाद पूरा सूर्य वापस दिखने लग जाएगा। सर, ये कितने समय बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है? भारत में तो ये नज़ारा दिसंबर 2019 में भी दिखाई दिया था, लेकिन उत्तर भारत में अब बहुत साल बाद दिखाई दे रहा है। और अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण जो आपको दिखाई देगा, वलयाकार नहीं पूर्ण, वो दिखाई देगा 2034 में, और फिर उसके बाद 2114 में। तो इसमें जो पशु पक्षी हैं या फिर जैसे सुनने में आ रहा है कि अंधेरा भी हो जाएगा, तारे भी दिख जाए, उसके बारे में क्या कहना है?
देखिए अंधेरा तो बिल्कुल यकीनन होगा क्योंकि 99% सूर्य ढक जाएगा। पक्षियों का आपको यहाँ पेड़ पौधे हैं तो चहचहाट पक्षियों की सुनाई देगी। शैडो आपकी जो छाया पड़ती है वो धीरे धीरे शार्प होती जाएगी और आपको कुछ पेड़ पौधे हो सकते हैं उनका बिहेवियर बदले, जैसे कुछ पौधे रात को खुलते हैं या बंद होते हैं सॉरी, और कुछ पौधे सुबह खुलते हैं, तो वो भी आपको बिहेवियर आकाश में जो लाइट चेंज हो रही है उसके कारण देखने को मिलेगी। तो सर क्या तारे दिखने की भी संभावना अगर मौसम? हाँ, तारे और कुछ प्लैनेट्स भी, जैसे वीनस है वो बहुत ब्राइट होता है, वो दिख जाएगा आपको। कैस्टर पोलक्स और कुछ बड़े तारे जो है वो आपको दिख सकते हैं। आज मैंने मेरी जीवन में पहली बार ऐसा अद्भुत नज़ारा देखा है सूर्य ग्रहण का, जिसमें आज तक बुजुर्गों से सुना था कि इस दिन में तारे दिखाई देते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से दिन में तारे देखा और बहुत ही गजब का नज़ारा था सूर्य ग्रहण का। यहाँ पत्रोड़ा में जो है वो बहुत ये केंद्र बिंदु था और यहाँ पे बाहर से बहुत ही वैज्ञानिक आए थे और लाइव टीवी के भी बहुत से चैनल थे यहाँ पे, तो हमने बहुत ही गजब नज़ारा देखा यहाँ पे। तो आज हमने अपनी आंखों से दिन में तारे देखे और वास्तव में ये प्रकृति का नियम है। हम उस भगवान को, परमात्मा को, प्रकृति को प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, भारत माता की जय करते हैं, जहाँ की ये हमारी भारत माता जो यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है, हमें गर्व है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। और मैं पूरे इस क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की और सब ने लोगों ने मास्क भी लगाए और सब लोग यहाँ जो भी यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि थे, सरपंच हैं, डॉक्टर हैं, पूर्व सरपंच हैं, हमारे यहाँ की लोकल विधायक संतोष जी बावरी भी यहाँ विराजमान हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी विराजमान हैं और सोशल इसके मीडिया के बंदे भी सब यहीं विद्यमान हैं। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा, आप लोग सब लोगों के साथ से हमने भी ये देखा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।